नहीं, तुम महफूज, हम तुरंत पोर्ट रॉयल लौट जाएंगे। हमें उन लुटेरों से पंगा नहीं लेना। तो हम उन्हें मरने के लिए छोड़ देंगे? हम उस लड़के की तकदीर नहीं बदल सकते। वैसे भी उसने खुद एक लुटेरे की जिंदगी चुनी। सिर्फ मुझे बचाने के लिए मेरी खातिर वो एक लुटेरा बना। मेरे ख्याल से भाई लोग, आप लोगों को एक लुटेरे की राय लेनी चाहिए। पर्ल जहाज काफी तबाह हो गया था, इसलिए उसका ज्यादा तेज रफ्तार से चल पाना नामुमकिन है। ध्यान से सोचिए, ये ब्लैक पर्ल आखिरी लुटेरा जहाज है इस पूरे समुद्र में, और इसे पकड़ने का आखिरी मौका है तुम्हारे पास। मैं शाही नौसेना के लिए काम करता हूँ मिस्टर स्पैरो, अपने लिए काम नहीं करता, समझे तुम? कमांडर, मैं भी मांगती हूँ, उसे बचा लीजिए मेरी खातिर, शादी का तोहफा समझकर। एलिजाबेथ, तुम शादी के लिए हाँ कर रही हो ना बेटा? हाँ पिताजी। अरे शादी, मुझे शादी बहुत पसंद है, इसी नाम जाप मिला। जान हथकोड़ी बनाओ से, है ना? मिस्टर स्पैरो, हमारे इन सिपाहियों के साथ जाओ और उन्हें मौत के टापू के बारे में पूरी पूरी जानकारी दे दो, और उसके बाद मैं तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता, ठीक है? तुम पूरे सफर में अपना मुंह बंद रखोगे, क्या तुम मेरी बात समझ गए? अच्छी तरह समझ गए हैं। तोता कहता है ठीक से साफ करो। विलियम टर्नर को जानते थे? उस बूटस्ट्रैप बिल, यानी विलियम टर्नर को हम जानते थे। हमारे जैक के साथ किया सुलूक विलियम को पसंद नहीं आया, मतलब वो बगावत। उसने कहा कि हम सब कायदे के खिलाफ हैं, इसलिए विलियम ने तुम्हें खजाने का एक सिक्का देकर हमसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। उसने कहा कि हम इस शाप के लायक हैं और हमें ऐसे ही रहना चाहिए। बेवकूफ, बेकार इंसान। अच्छा इंसान था, इसीलिए कप्तान बरबोसा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। और जानते हो, एक दिन मैंने बिल टर्नर को आंख भी मारी थी। अबे चुप, मैं कहानी सुना रहा हूं ना। जानते हो उसके बाद कप्तान ने क्या किया? उसने विलियम टर्नर को तोप के मुंह में डाल दिया। आखिरी बार जब हमने विलियम टर्नर को देखा, तो को देखा था वह समुंदर की गहराई में हमेशा के लिए डूब गया था। वैसे शाप से मुक्ति के लिए हमें विलियम के खानदान का खून और सिक्का चाहिए। इसे कहते हैं कुदरत की लात। ले आओ उसे। मुझे उस जहाज के हालात की कोई परवाह नहीं। उन लुटेरों के जहाज पर आने तक क्या हम यहीं छुपे रहेंगे? नहीं नहीं, आप में छुपने की कोई जरूरत नहीं। मैं अंदर जाकर बारबोसा से कहूंगा कि अपने आदमियों को छोटी कश्तियों में भेज दे। आप और आपके आदमी अपने जहाज पर इंतजार करें, और वहां से इन लुटेरों को अपनी छोटी छोटी तोपों से भून देना। इसमें आपका नुकसान है कुछ नहीं, लेकिन शायद तुमसे छुटकारा मिल जाए। एक और नुकसान भी हो सकता है, इस हमले में आपके आदमी और आपके होने वाली बीवी की जान को भी खतरा हो सकता है। आप फिक्र ना करें, वो ये सब पहले से जानते हैं। एक जल परी हमारे जहाज पर आकर पूरी कहानी सुना देती।